नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 370 हटने के बाद से पागल हुए पाकिस्तान को विश्व बिरादरी की तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया है। यह झटका है आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाने की सजा। कहा जा रहा है कि 370 के बाद यह पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा झटका है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप ने शुक्रवार को टेरर फंडिंग पर लगाम न लगा पाने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को काली सूची यानी ब्लैकलिस्ट कर दिया। APG के अधिकारी की माने तो FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाया कि पाकिस्तान ने आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के 40 मानकों में से 32 पर खरा नहीं उतरा है, जिसकी वजह से हमें मजबूर होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी है। APG के इस फैसले का पाकिस्तान पर व्यापक असर होना तय माना जा रहा है। अब FATF अक्टूबर में होने वाली अपनी बैठक में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने पर फैसला लेगा। यहां पर यह बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था। पाकिस्तान आतंकियों की फंडिंग के मामले में FATF को हमेशा से गुमराह करता रहा है। वो ठोस कार्रवाई करने के बजाय दिखावे के लिए आतंकवादियों और आतंकी समूहों के खिलाफ फर्जी और कमजोर FIR दर्ज करता रहा है और दुनिया को कहता रहा है कि हम आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कभी दुनिया को देखने को नहीं मिला। इसे लेकर अमेरिका ने भी कई बार पाकिस्तान को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की नसीहत भी दी थी, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। वो अपने आका को भी गुमराह करने में लगा रहा। इस एक्शन के बाद आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो पाकिस्तान को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। APJ के इस एक्शन से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे और FATF भी APJ के फैसले पर अपनी मुहर लगा देता है तो फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं उसे कर्ज देना बंद कर देंगी और पाकिस्तान के पास पैसे की भारी कमी है। अगर पाकिस्तान को कर्ज या लेन देन ही बैन हो जाएगा तो वो खाएगा क्या?